दोस्त प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास मन पसंदीदा प्रोग्राम वायरल सच। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम अपने इस प्रोग्राम में आप सभी लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री की उन खबरों के बारे में बताते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती है, लेकिन उस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है और किस तरीके से वो भोजपुरी दर्शकों के बीच पेश किया जा रहा है, खबर झूठी है या सिर्फ वो खबर को बनाकर यानी बनावटी खबर को पेश किया जा रहा है, ये सारी जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। और आपको बताते हैं कि आखिरकार हेडलाइन के द्वारा कि किस तरीके से उस खबर को पेश किया गया था, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में अपने रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिरकार इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है, जिसमें सबसे पहली खबर आई हुई है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के नहीं बल्कि राजनीति के दो बड़े स्टार, दो बड़े सितारे जो कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे दी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हो रही है। इसी बीच खबर आई है कि इस जो लालू के घर पे जो भी बातें हो रही हैं उसे लेकर खेसारी लाल यादव ने बयान दे डाला है। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ा गया है और एक बार फिर से राजनीति को बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जोड़ा गया है। तो हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट में कि आखिरकार सच्चाई क्या है। वहीं आगे अगली खबर आई हुई है जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ा हुआ है, साथ में उनका नाम आया है मृगदैनी अक्षरा सिंह का। जी हाँ, खबर आई है कि जल्द ही आने वाला है खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का साल 2018 का सुपरहिट गाना। लेकिन क्या वाकई में एक बार फिर से अक्षरा और खेसारी की जो अक्षरा है और खेसारी की जोड़ी है वो दर्शकों के बीच आएगी, दर्शकों को नजर आएगी, या फिर यह खबर अफवाहों में ही बनी हुई है। वहीं अगली खबर भी खेसारी लाल यादव के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि खेसारी ने अक्षरा को किया है फोन और उन्हें दी है बधाई। जी हाँ, वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में हर सितारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हर सितारे एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या वाकई में इस बार भी खेसारी लाल यादव ने अक्षरा सिंह को फोन किया है? क्या ये खबर सही है या सिर्फ इसे बनावटी खबर बनाकर पेश किया गया है? आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी हीरो खेसारी लाल यादव के साथ ही जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने खेसारी लाल यादव ने अपने गांव में अब तक का सबसे बड़ा स्टेज शो किया है, वो भी अपने गाँव वालों के बीच में, अपने परिवार वालों के बीच में। एक बार फिर से खेसारी से जुड़ी खबर आई है, लेकिन उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ से अटैच होकर। वैसे देखते हैं क्या क्या वाकई में खेसारी लाल यादव ने इस तरीके का कोई स्टेज शो किया है या खबरें सिर्फ अफवाहों में बनकर फैल रही है। वहीं आगे खबर भी खेसारी और आम्रपाली के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इनका जहां एक तरफ गाना सुपर डुपर हिट हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें लेकर कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव और आम्रपाली के बीच इस बार जबरदस्त की टक्कर होने वाली है। एक बार फिर से ये दोनों आमने सामने होने वाले हैं एक दूसरे के खिलाफ। वैसे देखते हैं दोस्तों कि क्या वाकई में खेसारी और आम्रपाली को लेकर इस तरीके की खबरें सही बताई जा रही है, क्या एक बार फिर से आम्रपाली और खेसारी की टकराव देखी जाएगी, रेल में देखी जाएगी या रेल में देखी जाएगी, ये सारी बातें, सारी जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच इन दिनों राजनीति में काफी ज्यादा नोकझोंक होती भी नजर आ रही है और उनकी ये खबरें काफी ज्यादा चर्चाओं में भी बनी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद अब एक बार फिर से इसका नाम बॉलीवुड के ही खेसारी लाल यादव के साथ दिया गया है और कहा जा रहा है खेसारी लाल यादव ने इस समय पर वो अपनी आने वाली, जी हाँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान लालू प्रसाद यादव के हो रहे घर में इस तरह की नोकझोंक को लेकर बयान दिया है। लेकिन आप सभी को बताना चाहेंगे कि खेसारी लाल यादव की तरफ से कोई भी इस तरीके का बयान सामने नहीं आया है और सिर्फ ये इस खबर को जिसे एक वायरल खबर की तरह, झूठी खबर की तरह सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है और दर्शकों को गलत खबर पहुँचाई जा रही है। लेकिन हाँ, देखा जाए वैसे खेसारी लाल यादव और लालू प्रसाद यादव, इन दोनों के बीच कई बार मुलाकात हुई है, कई बार ये दोनों एक साथ भी नजर आए हैं, लेकिन इस बार हो रही नोकझोंक में खेसारी लाल यादव की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जल्द आ रहा है खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह का नया सुपरहिट गाना। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे एक बार फिर से अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों
कौन काने की आने की बात कही जा रही है, लेकिन आप सभी को लोगों को ये भी जानकारी दे दें कि जहाँ एक तरफ खेसार लाल यादव मूवी इंडस्ट्री में बतौर सिंगर और एक्टर तो जाने ही जाते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह भी अब भोजपुरी इंडस्ट्री में एक खूबसूरत अदाकारा के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर के तौर पर भी जाने जाने लगी है, क्योंकि उन्होंने भी भोजपुरी में कई सारे गाने गाए हैं। वहीं अब आपको बताना चाहेंगे, इन दिनों सावन का महीना काफी नजदीक आ रहा है और खबर ऐसी आई है कि खेसार लाल यादव अपना सावन का गीत अक्षरा सिंह के साथ लेकर आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो देखा जाए तो इस खबर पर कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर कोई भी इस तरीके की खबर सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर जो ये दोनों स्टार एक बार फिर से कोई नया गाना लेकर आते हैं तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों के लिए काफी दमदार और काफी खास रहेगा। खेसारी ने अक्षरा को किया फोन और वो दी बधाई। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे, खेसारी लाल यादव वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी स्टार हैं उन्हें वो अपना परिवार की तरह मानते हैं, और इस बार अगर जो अक्षरा की वो फोन करने की बात कही जा रही है तो इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि अक्षरा जिस तरीके से इस बार नए नए एक्टर के साथ फिल्में कर रही हैं और हाल ही में वो अपनी फिल्म रितेश पांडे के साथ शूट कर रही हैं, जिसे लेकर उन्होंने खेसारी लाल यादव ने शायद अक्षरा सिंह को बधाई दी और शायद ही उन्होंने इस तरीके की बात कही हो, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल के लिए गलत खबर गलत ही होगी, क्योंकि इस तरीके से कोई भी खबर अभी प्रॉपर तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई भी इस तरीके की खबर ना ही अक्षरा सिंह की तरफ से आई है और ना ही खेसारी लाल यादव की तरफ से, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये खबर पूरी तरीके से अभी के लिए तो गलत ही है। खेसारी ने किया है अब तक का सबसे बड़ा स्टेज शो। जी हाँ, एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के स्टेज शो की चर्चा उनके गांव के साथ जोड़ दी गई है, लेकिन वैसे देखा जाए तो खेसारी लाल यादव स्टेज शो तो काफी धमाकेदार करते ही हैं, और एक बार के बाद कई बार खेसारी लाल यादव के स्टेज शो की चर्चा होती ही रहती है। अब इस बार इनके गाँव में कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने स्टेज शो किया है। वैसे देखा जाए तो खेसारी लाल यादव ने अपने गांव में स्टेज शो तो किया ही था, वो भी अपनी भतीजी की शादी में, और देखा जाए तो ये बिल्कुल खबर सही है कि शायद खेसारी लाल यादव का जो स्टेज शो हुआ था उनके गांव में वो अब तक का भीड़ के मामले में देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेज शो माना जाएगा, और ऐसा हो भी क्यों ना भाई, खेसारी लाल यादव जिस गाँव के बेटे हैं उसी गाँव में उन्होंने अपने धमाकेदार गाने पर शानदार डांस दिखाया और उसके बाद वहां मौजूद सभी दर्शकों का दिल जीत लिया, और देखा जाए कुल मिलाकर तो ये खबर बिल्कुल सही है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खेसारी और आम्रपाली में होगी जबरदस्त टक्कर। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे, इन दिनों एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का नाम जोड़ दिया गया है, और कहा जा रहा है खेसारी और आम्रपाली की जबरदस्त टक्कर होने वाली है, लेकिन आपको बता दें टक्कर तो शायद हो, लेकिन इस बार टक्कर रियल में नहीं बल्कि रेल में हो रही है। जी हाँ, खबर ऐसी आई है कि खेसारी लाल यादव की फिल्म बॉर्डर रिलीज हो रही है, तो वहीं कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव अपनी फिल्म राधा रानी भी ईद के मौके पर ही रिलीज कर रहे थे, लेकिन अब खेसारी लाल यादव ने अपनी फिल्म राधा रानी का डेट एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है, ऐसी खबर सामने आई है, यानी कि अब ये टकराव नहीं होगा, और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये खबर बिल्कुल सही है कि 15 तारीख को, जी हाँ 15 जून को ईद के मौके पर खेसारी की फिल्म राधा रानी और जुबिन स्टार दिनेश लाल यादव हुआ और आम्रपाली की फिल्म बॉर्डर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अचानक से खेसारी ने अपनी फिल्म की डेट आगे बढ़ा दी है। दोस्तों, ये थी भोजपुरी इंडस्ट्री की वो वायरल खबरें, वो जानकारियां जो कि हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, और साथ साथ में हमने आपको ये भी बता दी कि आखिरकार किस खबर में कितनी सच्चाई है और उसे किस तरीके से
पेश किया गया है और अब देखना होगा कि आखिर आगे हमारे आने वाले समय में इन स्टार से जुड़ी ऐसी कौन कौन सी खबरें होती हैं जो इतनी ज़्यादा सुर्खियों में रहती है। और तो इसी तरीके से हम आप सभी के लिए सभी खबरों की जानकारी, पूरी सच्चाई, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आप सभी के सामने लेकर हाजिर होंगे, क्योंकि ऐसा हम नहीं चाहते कि आपके स्टार से जुड़ी कोई भी गलत खबर आप सभी तक पहुँचे। और आप ऐसे ही अपने स्टार से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल, हमारा प्रोग्राम वायरल सच को देखते रहिए और साथ में साथ ये कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक फटाफट पहुंच सके, कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम में इतना ही और आज मैं आप सभी से वादा करते हुए ये जाती हूँ कि कल आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगे आपका खास मनपसंदा प्रोग्राम। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।